फिर आप सब्र करें, जो मेरा रब चाहता है उस पर राजी रह के देखें जरा, फिर जरा राजी रह के देखें, फिर देखें कि मालिक का फैसला क्या है। वो आपके हक में कोई रहमत वाला फैसला ही फरमाएगा, फिर जरा इंतजार करके देखें, फिर जरा सब्र करके देखें। फिर वो कहता वा बशीरी साबरीन, महबूब ये जिन्होंने सब्र किया है ना इन्हें मेरी रहमत की खुशखबरी सुना दो। फिर वो कहता है बाकियों के पास माल होगा, दौलत होगी, इख्तदार होगा, बड़ा कुछ होगा, इन्नल्लाह मा साबिरीन, सबर करने वालों के साथ रब करीम होगा। फिर जरा ठहर ही जाएं, फिर थोड़ा हौसला ही कर लें, फिर उसके फैसले का जरा इंतजार करके देख। दौर गुजर गया जब लोग कहते थे कि कोई दुरूद पाक बताएं जिससे सरकार राजी हो। एक ही मसला है, काम नहीं चलता। एक साहब आए, काम नहीं चलता। मैंने कहा सूरह वाकया पढ़ा करें। कहते हजरत मैं बड़ी देर से पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा चले कुछ सदकात दे के देख ले। कहने लगे बड़ी देर से दे रहा हूँ। मैंने उन्हें एक और वजीफा बताया। कहने लगे ये भी मुझे किसी ने बताया था, बड़ी देर से कर रहा हूँ। तो मैंने उन्हें कहा फिर मेरी एक नाकस राय ये है कि सारा कुछ करने के बाद अगर अभी तक फिर भी आप समझ रहे हैं ना आपकी मर्जी के मुताबिक आप पर दरवाजे नहीं खोल रहे, फिर आप सब्र करें, जो मेरा रब चाहता है उस पर राजी रह के देखें जरा।